और आइए फ्रेंड्स, अभी हम सेवन ओक्स रोड से आ रहे हैं और सामने ही है रॉयल होटल का एरिया। और नैनीताल में बारिश पड़ रही है तो मैंने सोचा आपके लिए ज़रूर बारिश वाला वीडियो लेके आता हूँ। और ये देखिए बड़ा ही बढ़िया मौसम हो रहा है। और आइए इसी रोड से हम होते हुए चलेंगे। और काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म है नैनीताल में। और अभी स्विगी वाले भाई ने, मैं आ गया था इनके सामने। चीना बाबा चौराहे में पहुंच गए हैं अभी और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे सीधा आगे के लिए। तो आइए केयरफुली ये जो रोड है उसे क्रॉस कर लेते हैं। और देखें हाईकोर्ट वाली रोड में एकदम जो कि है गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो जब नैनीताल सिटी क्राउडेड हो जाती है तब ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये ऊपर आप साइन बोर्ड पढ़ सकते हैं। तो ये रास्ता यहाँ यहाँ कुछ आता है काला डूंगी और यहाँ पे सामने हाईकोर्ट है। अब ये जो जोन है नो कैमरा जोन है, तो मैं थोड़ा आगे से आपको फुटेज कवर करके दिखाता हूँ। और सामने की साइन बोर्ड में आप देख सकते हैं ये रास्ता जिम कॉर्बेट, कालाडूंगी, किलबरी, पंगूत, पेट्रोल पंप और इन जगहों को, काफ़ी सारी जगहों को जाता है। और सामने ही देखिए रोड डाइवर्जन है। तो आइए चलते हैं। और इस एरिया में बोलते हैं यहाँ पे है मन्नू महारानी होटल और ये जस्ट हम इसकी एंट्रेंस में ही पहुँच गए हैं। तो चलते हैं ऊपर को। अभी ये रिसेंटली शायद मंदिर, माफ़ कीजिएगा, ये होटल क्लोज्ड है शायद। तो आप लोग वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं होटल की। और देखिए सामने की तरफ ये रास्ता कालाडूंगी, बाजपुर, दिल्ली, तो इन जगहों को ये रास्ता जाता है। और हमारे राइट हैंड साइड में ये रास्ता जो सीधा जा रहा है ये होटल्स के लिए जाता है, जैसे कि शेरवानी, हिल टॉप, नैनीताल और भी काफ़ी सारे होटल्स हैं उधर को। और सामने वाले रास्ते में भी काफ़ी सारे होटल्स और होमस्टेज, लॉज और कॉटेजेस हैं। तो ये जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को रास्ता कट रहा है, तो आइए केयरफुली मैं ये रूट क्रॉस करता हूँ और हमें जाना है सीधा स्ट्रेट। और देखिए तो हम इस जगह पे पहुँच गए हैं। यहाँ से कालाडूंगी रामनगर के लिए बसेस लगी रहती हैं और सामने ही आगे पेट्रोल पम्प है 50 कदमों की दूरी में। और इसके बिहाइंड में देखें विजिबल नहीं है और नैना पीक की माउंटेन है। और हम KMVN के जो कि है रिजॉर्ट के आगे से निकल रहे हैं और हमारे सामने ही है पेट्रोल पंप। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल अवेलेबल रहता है। और देखें ये एरिया पूरा गाड़ियों से पैक्ड है और यहाँ पे हमारे पार्किंग भी है, सुखताल कार पार्किंग। और सामने ही केव गार्डन का एंट्रेंस है, तो इको केव पार्क है इसका नाम आप रिसेंटली में। और इसके प्राइसेस आप ये देख सकते हैं। और यहाँ से इसका एंट्रेंस गेट है और इसके जस्ट नेक्स्ट में है पब्लिक टॉयलेट। और ज़रूरी आज काफ़ी सारा रश है। तो देखें साइन बोर्ड में लिखा है वी आर लाइक यू बट नॉट योर स्पीड। तो इस रोड्स की जो स्पीड लिमिट है तो आप कृपया करके उनका पालन कीजिए, क्योंकि पहाड़ों में ड्राइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्लेन्स के मुताबिक। और आइए हम पहुंच गए हैं बारापत्थर के एरिया में और चलते हैं आगे। आगे कुछ शॉप्स हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ।
और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिल रहे हैं भुट्टे और चाय पानी, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। और हमको जाना सीधा स्ट्रेट आगे राइट हैंड की तरफ को, और ये रोड आपको सीधा ही कालाढूंगी देहरादून दिल्ली तो यहाँ पे ड्रॉप करता है, और आप डिस्टेंस भी पढ़ सकते हैं साथ के साथ, ऊपर लिखा है साइन बोर्ड में। यहाँ पे है चेक पोस्ट, और राइट हैंड में है माउंटेनियरिंग का जोन, तो ये देखें। और हमारे यहाँ पे से अगेंस्ट में देखें तो ये है माउंटेनियरिंग का जोन, यहाँ पे आर्टिफिशियल रॉक और बारापत्र का सारा एरिया। और ये नोटिस बोर्ड में लिखा है इस पॉइंट से आगे आपके मोबाइल टावर्स नहीं आते हैं, तो यहाँ से मोबाइल फोन्स नहीं टावर्स आएंगे आपके। और यहाँ पे भी जो पार्किंग है तो ये देखें, ये भी ऑलमोस्ट फुल है। और हमें चलते जाना है आगे की तरफ, तो आगे लवर्स पॉइंट है, और ये लवर्स पॉइंट पहुँच गए हैं। और यहाँ पे देखें तो गुवावा रखे हैं एकदम फ्रेश। तो भैया क्या भाव है इसका? 80 रुपये किलो। ओके, और देखें तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक जैम सा है, और सामने ये हॉर्स का पॉइंट है, और यहाँ पे हॉर्स टेबल है घोड़ा सराई, और यहाँ से जाया जाता है हॉर्स सैरिंग के लिए, और इसका चार्जेस है 770 रुपीज़। और इस समय देखें तो यहाँ पे कुछ इतना टूरिज्म है, और लवर्स पॉइंट के लिए यहाँ से नीचे जाया जाता है। तो आइए आपको नीचे लेके चलता हूँ, एक राउंड दिखाते हैं कैसा पॉइंट है। तो थोड़ा सा नीचे चलते ही ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है लवर्स पॉइंट, और अभी के समय देखें यहाँ पे इतना क्राउड है। और यहाँ पे से इसके बिहाइंड में माउंटेन है, कैमल्स बैक का ये माउंटेन है, तो ये देखिए। तो आइए इस जोन के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, और चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कैसा कुछ है वहाँ से। यहाँ से है लैंड सेंड का रास्ता, और है टिफिन टॉप का रास्ता, और देखें यहाँ से तो बड़ा ही अमेजिंग व्यू है नीचे की तरफ, तो ये देखें सामने नीचे बॉटेनिकल गार्डन है, और गांव है, और कुछ होटल्स वगैरह होंगे। तो ये होटल है आई थिंक सो, यहाँ पर काफ़ी सारी पार्क है। और यहाँ से नेचर देखें तो काफ़ी सुंदर है नेचर है, और अभी हल्की बारिश कम हो गई है, थोड़ी सी हल्की हो गई बारिश, और कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ से देखें, बड़ा सुंदर सा ये रास्ता। और देखें तो कुछ पर्यटक सैलानी क्योंकि है हॉर्स राइडिंग का आनंद उठा रहे हैं। और अभी यहाँ से जो कि है हॉर्सेस जाते हैं टिफिन टॉप एंड लैंड सेंड, तो इन जगहों पे आपको राउंड लेकर के वापस ले आते हैं, 7 पॉइंट्स आपको घुमाते हैं हॉर्सेस। और आइए व्यूअर्स, हम पहुँच गए हैं जो ये रोड डाइवर्जन है, ये रोड रास्ता सीधा ही ऊपर वाला जो रास्ता है ये टिफिन टॉप की तरफ ले जाता है आपको, मगर हम जाएंगे सीधे सामने, और यहाँ है लैंड्स एंड। और इस जगह का नाम लैंड्स एंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो कि है इसके बाद यहाँ से पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं, और नीचे प्लेन्स तराई सारा इलाका आपको दिखता है यहाँ से, मगर अभी ये आज के समय तो यहाँ पे क्लाउड लगा हुआ, फिर भी मैं आपको लेके चलता हूँ पॉइंट्स में, देखते हैं क्या स्थिति है। और देखें सामने ही ये पॉइंट है, और चलते हैं इधर की तरफ, और यहाँ पे नेचर देखें काफ़ी ही सुंदर नेचर है, तो प्रकृति अपने आप में बहुत सुंदर है, और नैनीताल में तो खासकर आप देखें। तो सामने ही ये पॉइंट है, और इसके बाद यहाँ से ये जो माउंटेन का लैंड है ये पूरा खत्म हो जाता है, और नीचे के एरिया आपको देखते हैं विजिबल है थोड़ा बहुत तो है, तो कुछ इस तरीके से क्लाउड्स लगा हुआ है, और सामने की तरफ सारा कालाढूंगी हल्द्वानी फतेहपुर इधर का एरिया, और इधर की तरफ हनुमानगढ़, मगर कुछ दिख नहीं रहा है।
दीजिएगा 60 ml। तो व्यूअर्स आइए, लेट्स एंड अप दिस वीडियो एंड सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स।